चाहे सामान 10 रुपए का हो, 10,000 का या फिर 10 लाख का, उसको सही सलामत आपके घर तक पहुंचाने के लिए गत्ते का डिब्बा सबसे जरूरी चीज होता है। और बिना डिब्बे के कीमती से कीमती वस्तु अगर डिलीवरी के टाइम पे टूट जाए तो उसका मूल्य कबाड़ से कम नहीं रह जाता। इसलिए आज मैं आपको वही मामूली सा गत्ता पेपर रीलों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी मशीन और वर्करों की सहायता से फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, आपको जबरदस्त मजा आएगा। किसी भी चीज को सेफली आपके घर तक डिलीवर करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कार्टून का डब्बा, जिसे कुछ लोग कॉरिगेटेड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और गत्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमारी पेपर मिल से 2 पेपर रोल की शीट्स आ चुकी है और इन रोल को बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर सेटअप किया जाएगा। और इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है, पेपर होता है जो फट जाता है लाने ले जाने में, उसको भी काट छाट कर अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद इन दोनों पेपर को चिपकाने के लिए यहाँ पे गम तैयार की जाती है। इसके अंदर चूने जैसा मसाला डाला गया, बहुत सारे केमिकल डाले गए, साथ ही साथ इसके अंदर पानी डाला गया। और ये जो गम होती है ये थोड़ी सी कम चिपचिपी होती है, उसको और मजबूत करने के लिए यहाँ पे दूसरी गम डाली जाती है। अभी फिलहाल आप देखिए इसके अंदर गम डाल दी गई है मशीन के अंदर, और इसके अंदर आग भी लगा दी गई है ताकि थोड़ी सी गम गर्म हो जाए और चिपकने में इसको आसानी हो। मशीन के अंदर गम डालने के बाद यहाँ पे अपनी पेपर शीट्स को भी इस मशीन के अंदर सेटअप किया जाता है। नीचे से अपना डार्क ब्राउन वाला पेपर लगाया जाता है और ऊपर से लाइट कलर वाला। अब आप देख सकते हैं ये जो मशीन है इसके ऊपर एक छोटा सा रोलर लगा हुआ है, उसके ऊपर इसको लपेट दिया गया ताकि अपनी मशीन अच्छे से सेटअप हो सके। और इसके बाद मशीन चालू कर दी जाती है। इसके बाद जो लाइट कलर वाला पेपर होता है वो जिगजग वाला डिजाइन लेता रहता है इस रोलर की सहायता से। इसके बाद ये मशीन यहाँ पे ऐसे ही काम करती जाती है और पेपर की शीट बाहर बन के निकलती रहती है। और अब आपको पता ही होगा गत्ते का इस्तेमाल किसी भी चीज को आपके घर तक सेल्यूलर डिलीवर करने के लिए किया जाता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो अपने घर के किसी भी कोने में जाके देख लेना, आपको गत्ता पड़ा हुआ नजर आ ही जाएगा, जिसमें हाल ही फिलहाल में आपने अपने घर में कूलर, फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल, बहुत सारी चीजें मंगाई होंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये अपना जिगजग वाला डिजाइन बन के आ चुका है और ये पेपर भी चिपक चुका है और अब यहाँ पे अपना रोल बन के भी तैयार हो चुका है। अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है इस गत्ते को अलग अलग काट छाट करना, जिसके लिए किसी भी कंपनी का जैसे ऑर्डर होता है तो उस हिसाब से उसको शेप और डिजाइन देके काटा जाता है। और काटने के बाद इसको अलग मशीन पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे इसको दोबारा से मजबूत करने के लिए इसमें और ज्यादा लेयर बनाई जाएंगी। जैसे कंपनी का ऑर्डर होता है कि 2 लेयर का चाहिए, 4 लेयर का चाहिए, 5 लेयर का चाहिए, तो वो इस हिसाब से बनाया जाता है। अभी आप देखते हैं भैया जी ऊपर से गत्ता डाल लें और नीचे से अपनी शीट को इसके ऊपर चिपकाया जा रहा है। और अभी जो इसके ऊपर गम लगाई गई है ये पहले वाली गम से बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जो इसको और ज्यादा मजबूत देती है। बाकी इसको दबा के पैरों से इसके ऊपर चढ़ा जाता है ताकि अच्छे से चिपक जाए। फिर इसको प्रेसिंग मशीन के अंदर डाल के इसको एक बार बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी मशीन के अंदर जो भी गत्ते का शेप और डिजाइन होता है उसके लिए यहाँ पे कोने बना दिए जाते हैं ताकि गत्ते को मोड़ा जा सके और एक डब्बा बना के तैयार किया जा सके। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कट लगा जा रहा है ताकि जहाँ से गत्ता मोड़ेगा तो वहां से उसको मोड़ने में आसानी रहे, क्योंकि गत्ते को नीचे से मोड़ना भी होता है। ये देखिए भैया जी ने अपना गत्ते को मोड़ा और ऊपर से जो इसके कोने काटे थे उनको भी यहाँ से चिपकाना शुरू कर दिया और इस तरीके से अपना पूरा का पूरा एक डब्बा बनकर तैयार हो जाता है। अब आप इसके अंदर अपनी रोलेक्स की घड़ी मंगाए, कोई महंगा पर्स मंगाए या महंगे से महंगा कोई भी ज्वेलरी मंगाए, वो सब इसी के अंदर आता है और आपके घर तक सेफली पहुंचाया जाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस देख के मजा आएगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों इस वीडियो को जरूर से शेयर करें।